प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाले पैसे पर धोखाधड़ी की शिकायत लेकर युवक पहुंचा कमिश्नर के पास। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए काफी मशक्कत के बाद पंजाब बैंक मेडिकल कॉलेज की ब्रांच से बावादीन नाम व्यक्ति ने लोन लिया था। बावादीन के अनुसार उनको 12 लाख रुपए लोन सेंक्शन हुआ था, लेकिन उनको महज 4,94,000 रुपए ही मिले, जबकि उसके खाते में 10 लाख रुपए का लोन दर्शा दिया गया। बावादीन का कहना है वह पुलिस के पास शिकायत लेकर जा चुका है, अब कमिश्नर युवक के पास अपनी फरियाद लेकर आया है। बावादीन का कहना है पंजाब बैंक मेडिकल कॉलेज की ब्रांच के ब्रांच मैनेजर और कर्मचारियों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। उसका कहना है उसकी जान को भी इन लोगों से खतरा है, वह भी उसे कभी मार सकते हैं। प्रशासन इस मामले में गंभीरता से जांच कराए, तभी सारी बात निकलकर खुद ब खुद सामने आ जाएगी। इस बारे में हमने बावादीन से बात की, आइए आपको सुनाते हैं बावादीन का क्या कहना है। मेरे साथ बैंक से मैंने प्रधानमंत्री लोन लिया था प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत, और उसमें ये बताया गया था कि आपको बहुत सारा छूट हो जाएगा, यहाँ तक कि हमको पूरा लोन नहीं दिया गया। कितना लोन दिया गया आपको? हमारा 12 लाख रुपए सेंक्शन हुआ था, जिसमें कि 10 लाख रुपए हमारे खाते में लोन दर्शा दिया गया है, हमें मात्र 4,94,000 रुपए मिला हुआ है, बाकी का पैसा ये गमन कर गए हैं। जो वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे चेक रखते हैं उसमें इन लोग सिग्नेचर करवाए हुए थे पहले से, और उससे पैसा निकाल लिए। 2.5 लाख रुपए आकर के कैश ले गए, जिसमें से कि हमारे पास जिन लोगों के सामने हमने दिया है उन लोगों ने हमको शपथ पत्र के द्वारा भी दे दिए हैं कि तुम्हारे साथ हूँ मैं, इन लोगों ने अन्याय किया है, पैसा तुम्हारा गमन किया है। हमारे साथ धोखाधड़ी बैंक मैनेजर AK दास, राजकुमार शुक्ला, अचल श्रीवास्तव, इन्होंने आपको, हाँ, इसके बाद जो वहाँ के कर्मचारी हैं ये सब उसमें लीन हैं, ये सब उसमें सहमत। कितने दिन से आप भटक रहे हैं? लगभग मेरा 2014 में, दिसंबर 2014 में मेरा लोन हुआ था, सेंक्शन हुआ था, और वो लगभग 1.5 साल मुझे घर बनवाने के लिए लोन देते रहे। ये खूब डिले करते थे, कहते थे कि कुछ कारण बता देते थे और रीजन बताते बताते ये डिले करते रहे, उसके पैसे को खाते रहे। मैं प्रिंट करवाने जाता था तो प्रिंट नहीं देते थे, और उसके बाद में जब प्रिंट हमको दिए तो पता चला कि मेरे खाते में 10 लाख रुपये लोन कर दिए हैं और मुझे 4,94,000 रुपए मिला हुआ है, बाकी के पैसा ये सब दमन कर गए हैं। कौन से बैंक का मामला है? ये पंजाब नेशनल बैंक मेडिकल कॉलेज रीवा। जांच के लिए हम सभी स्तर के, पुलिस के सभी स्तर के अधिकारियों को हमने दिया, SP, कमिश्नर, कलेक्टर, सिविल लाइन थाना, विश्वविद्यालय थाना, IG साहब, सबको हमने, जहां अनुसूचित जाति आयोग, सबको हमने, जहां तक हमको जानकारी हुई कि हाँ यहां से मेरी जांच हो सकती है तो जांच करवाने के लिए हमने आवेदन दिया, लेकिन आज तक कोई जांच न हुई और न ही इनके प्रति FIR दर्ज हुआ और न ही इनको गिरफ्तार किया गया। इन लोग हमको एक्सीडेंट भी करवा चुके हैं और ये मेरे खिलाफ मारपीट भी कर चुके हैं, जो कि मुझे जान का खतरा है, इन फ्यूचर ये मुझे मार देना चाहते हैं जिससे कि ये निजात पा सकें। और मैं इस शासन प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी जान की रक्षा करें, नहीं तो जिस दिन मार देंगे तो उस दिन फिर कुछ भी नहीं रहेगा।